मंच पर उपस्थित परम पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, डॉक्टर दिलीप गुप्ता जी, पराग सराफ जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले विवेकानंद मेडिकल मिशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि आज परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के करकमलों द्वारा जहां एक और हृदय रोग चिकित्सा सेवा केंद्र का लोकार्पण हुआ है, वहीं इस संस्था के सुवर्ण महोत्सवी वर्ष का भी प्रारंभ हुआ है। और इन 50 सालों का ये जो प्रवास है, इसका एक प्रकार से सिंहावलोकन डॉक्टर दिलीप गुप्ता जी ने यहां पर किया, किस प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए अभाव में भी सेवा का भाव कभी कम नहीं हुआ, और धीरे धीरे आज इस स्वरूप में ये केंद्र यहां पर खड़ा है और निरंतर गरीबों की, सामान्य लोगों की सेवा कर रहा है। मुझे याद है हम जब बाल स्वयंसेवक थे और यहां पर शिविर के लिए आते थे, उस समय पहले नागपुर रेलवे स्टेशन पर जाते थे और ट्रेन में बैठकर हम यहां पर आते थे। उस समय ये दूसरा गांव लगता था, गांव तो था ही, लेकिन नागपुर से दूसरे गांव जा रहे हैं, इस प्रकार का भाव लगता था। बीच में कुछ था नहीं। आज तो हम लोग, शहर कब समाप्त होता है, खापरी कब लगता है, ये ध्यान में नहीं आता, एक प्रकार से शहर का भाग वो हुआ है। लेकिन उस समय जब यहां पर खापरी गांव और आसपास के गांव ये पूरे गांव के स्वरूप में हुआ करते थे, आज भी स्वरूप गांव का है लेकिन पूर्ण गांव का स्वरूप था, ऐसे समय यहां पर परम पूजनीय बाळासाहेब देवरस जी, इनकी प्रेरणा से इस कार्य की शुरुआत हुई। और नाना साहेब जी ने जिस प्रकार से एक टीम को तैयार किया और धीरे धीरे करके इसको खड़ा किया, और उसके बाद का जो सारा इतिहास डॉक्टर गुप्ता जी ने हमारे सामने रखा है, मैं ऐसा मानता हूं कि वो बहुत ही प्रेरणादायी है। मूल रूप से हमारा जो संघ का विचार है, उसमें यह ताकत है कि ये विचार सामान्य व्यक्तियों से असामान्य कार्य करवा लेता है। और आप कोई भी कार्य देखिए, अभाव से खड़ा हुआ सामान्य व्यक्तियों ने अपने पौरुष के दम पर, अपनी जिजीविषा के दम पर, अपनी इच्छा शक्ति के दम पर सारे संघर्षों को पार करते हुए कई संस्थाएं खड़ी की, और उन्हीं में से एक ये संस्था आज यहां पर खड़ी है। और विशेष रूप से यहां पर जो हमारा ग्रामीण का भाग है, यहां के लोगों की जो सेवा विवेकानंद मेडिकल मिशन ने की है, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से वो बहुत ही सराहनीय है। और जिस प्रकार से किसी भी आह्वान के काल में हमारे सारे स्वयंसेवक केवल यहां नहीं तो देश के अलग अलग भागों में भी
जब भी कोई आपत्ति आई तो वहां पर भी विवेकानंद मेडिकल मिशन के हमारे सारे डॉक्टर, स्वयंसेवक, कार्यकर्ता ये पहुंचे और वहां पर भी सेवा करने का काम यहां के माध्यम से हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, एक समय था कि आजादी के बाद हम रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते थे और ये कहते थे कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इसमें रोटी, कपड़ा और मकान है, लेकिन उसके साथ साथ आज पढ़ाई, कमाई और दवाई, ये तीन चीजें भी हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में सम्मिलित हो गई। और विशेष रूप से भले ही विज्ञान में बहुत प्रगति हुई हो, चिकित्सा पद्धति बहुत आगे बढ़ी हो, लेकिन उसके साथ साथ गरीबों के लिए, निम्न मध्यम वर्गीयों के लिए, मध्यम वर्गीयों के लिए इस चिकित्सा पद्धति को पाना, उस चिकित्सा पद्धति को एफोर्ड कर पाना, ये दोनों चीजें हमेशा से एक आह्वान के रूप में बनती हुई हमने देखी है। और ऐसे समय जब इस प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाएं सामने आती है कि जिनका ध्येय ये हमको कितना प्रॉफिट मिलता है ये नहीं है, तो समय समय पर लोगों से दान लेकर भी हम लोगों को चिकित्सा दे, जिसको आवश्यकता है ऐसे हर व्यक्ति को आवश्यक चिकित्सा मिले और उसकी व्यवस्था हम करेंगे, इस प्रकार के भावना से जो संस्थाएं खड़ी होती है, मैं ऐसा मानता हूं कि आज के दौर में उनका महत्व बहुत ज्यादा है। जिसका उल्लेख यहां पर किया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की, हमने महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले जनारोग्य योजना शुरू की। इन योजनाओं के माध्यम से ये प्रयास होता है कि गरीबों को हम कोई ना कोई आधार दे पाए, लेकिन इन योजनाओं को चलाने के लिए भी अच्छी स्वयंसेवी संस्थाएं आवश्यक है, क्योंकि जिनका मोटिव प्रॉफिट है वो इस प्रकार की योजनाओं को नहीं चला सकते। ऐसी योजनाएं वही चला सकते हैं कि जिनको एक ध्येय के रूप में इस कार्य को करना है, और वही कार्य आज यहां होता हुआ हम देखते हैं। गरीब से गरीब बच्चों की चिकित्सा, उनके ऑपरेशंस जब यहां पर होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आशीर्वाद उसके माध्यम से मिलता है वो किसी भी संपत्ति से बड़ा आशीर्वाद है। मुझे याद है कि जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम करता था और मुख्यमंत्री सहायता निधि से हम लोग गरीबों को मदद करते थे, मैं एक बार सांगली में गया तो वहां पर 50 बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे फूल लेकर मेरा स्वागत करने के लिए खड़े थे, उनके माता पिता भी खड़े थे और लिखा था धन्यवाद सीएम काका। तो मैं गया, मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि ये 50 बच्चे जिनके हार्ट में होल था, जिनको हार्ट का ऑपरेशन आवश्यक था, लेकिन हम इन बच्चों के ऑपरेशन करा नहीं सकते थे, और ये ऑपरेशन अगर ये 15 साल के, 16 साल के होने से पहले अगर नहीं होते तो शायद फिर इनका आगे ज्यादा समय जीना कठिन था, लेकिन आपकी योजना से मदद मिली और इनके ऑपरेशन हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मुख्यमंत्री बना उस समय जितना हर्ष मुझे नहीं हुआ, उससे ज्यादा हर्ष उन बच्चों को मिलने के बाद और उनके माता पिता का आनंद देखने के बाद मुझे मिला। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो सेवा का क्षेत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और आज जिस प्रकार से मेहनत करके हम देख सकते हैं, यहां सारे डॉक्टर जो काम करते हैं सारे सेवाव्रती है, सबके मन में भावना सेवा की है। शायद यहां की जगह अपना समय कहीं और दे तो बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पैसा ये ध्येय ही नहीं है,
सेवा यह ध्येय है। इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार से डॉक्टर दिलीप गुप्ता जी ने यहां पर यह सारा प्रवास हमारे सामने रखा और उनका स्वयं का बहुत बड़ा योगदान उसमें है और योगदान देने वाले कई लोग आज यहां पर मौजूद है, आज नर्सिंग कॉलेज हो या हृदय रोग चिकित्सा सेवा केंद्र हो, इनका उद्घाटन हुआ है। और साथ में क्योंकि जो संघर्षशील लोग होते हैं वो कभी रुकते नहीं है, 50 वर्ष पूर्ण हुए इसका तो आनंद है ही, लेकिन 50वें वर्ष एक नया संकल्प कि अब लोगों की सेवा में 250 बेड का हॉस्पिटल देना है, ये नया संकल्प आज यहां पर लिया गया है। और मुझे विश्वास है कि ईश्वर का कार्य है और जैसा आपने कहा संघ कार्य में कभी कमी पड़ती नहीं है, कहीं ना कहीं से मदद आती है, तो मेरा विश्वास है कि ये 250 बेड का हॉस्पिटल का जो सपना आपने देखा है इसको भी निश्चित रूप से आप पूर्ण कर पाएंगे। और आपके इस कार्य में जो भी सहयोग मैं भी स्वयं कर पाऊंगा मैं निश्चित रूप से करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में आपने मुझे भी निमंत्रित किया। और कई बार ऐसे कार्यक्रम ये एक प्रकार से इतिहास में दर्ज होते हैं और उसमें अपना भी नाम जुड़ जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आपने यहां पर निमंत्रित किया इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद।